पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनका एकात्म मानववाद किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी आज हम इस विषय पर, इस जीवन दर्शन पर नए सिरे से उसकी व्याख्या, उसकी समझदारी और ज्यादा विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं महेश शर्मा जी से। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम लोग यहीं से शुरू करें कि एकात्म मानववाद या जो पंडित दीनदयाल जी का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो जीवन दर्शन था वो क्या था, और आज की जो मौजूदा व्यवस्था है वह व्यवस्था उस जीवन दर्शन के कितना करीब है और कितना दूर है। अब जो पहला सवाल है क्या था, उसको पहले बोलते हैं। दीनदयाल जी जब सार्वजनिक जीवन में आए तब देश में एक बहस चल रही थी कि जो प्रचलित राजनीतिक जीवन प्रणालियां हैं उनमें से हम कौन सी अपनाएं, और प्रचलन के जो विचार थे वो थे व्यक्तिवाद यानी पूंजीवाद और समाजवाद यानी साम्यवाद। व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों में से किसको अपनाया जाए। दीनदयाल जी ने कहा कि हमारी क्या मजबूरी है कि दोनों में से किसी को अपनाएं। ये दोनों ही विचार पाश्चात्य विचार हैं, ये जहां पैदा हुए हैं इनकी परिस्थिति भिन्न है और दोनों परस्पर विरोधी है। यह है व्यक्ति बनाम समाज, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी के विचार हैं। हम तो भारत में रहते हैं, हमारे यहां व्यक्ति बनाम समाज की कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए हमको अपनी भारतीय दृष्टि से मानव को देखना चाहिए, न कि पाश्चात्य दृष्टि से। पाश्चात्यों में किसी ने कहा कि ह्यूमन बीइंग इज एन इंडिविजुअल, तो किसी ने कहा ह्यूमन बीइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल बट सोसाइटी। दीनदयाल जी ने कहा भारत का विचार कहता है कि व्यक्ति और समाज, व्यष्टि और समष्टि, यह पृथक इकाइयां नहीं है। मानव तो तब बनता है जब व्यष्टि और समष्टि एकात्म हो जाती है। मानव में से व्यक्ति और समाज को आप बांट दें तो मानव तो मर जाएगा, मानव रहेगा नहीं। और इसलिए व्यक्तिवादी मानव नहीं, समाजवादी मानव भी नहीं, वरन एकात्मवादी मानव, उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसके लिए रीति नीति बनानी चाहिए। जो व्यक्तिवादी नीतियां होगी वो समाज के खिलाफ होंगी, जो समाजवादी नीतियां होगी वो व्यक्ति के खिलाफ होंगी। इसलिए न व्यष्टि न समष्टि, इन दोनों को आहत न करते हुए मानव की नीतियां बनेगी, ये सुखकारी होंगी। दीनदयाल जी ने कहा यह तो पाश्चात्य संदर्भ है। आज के जो भारत में ये एकात्मता यहीं तक सीमित नहीं है। जैसे मानव में व्यष्टि है, जैसे मानव में समष्टि है, वैसे ही मानव में सृष्टि है। प्रकृति से पृथक नहीं है मानव, और वैसे ही मानव में परमेष्टि है, परमात्मा है, उससे पृथक नहीं है। इसलिए व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, इन चारों की एकात्मता का नाम है मानव। इस मानव को पहले जानो और फिर इसके लिए नीति नियम बनाने की बात करो, ऐसा दीनदयाल जी ने जब इंटरवीन किया राजनीति में तब लोगों से कहा। आजादी के बाद से लेकर और अब तक जितनी सरकारें रही हैं देश में या राज्यों में, उसमें किस सरकार के कामकाज को, कार्यशैली को आप दीनदयाल जी के जो ये जीवन दर्शन है उसके करीब देखते हैं? एक तो दीनदयाल जी समाज और सरकार को समानार्थी नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि सरकार का समाज में बहुत छोटा रोल होता है, समाज में बड़ा रोल संस्कृति का होता है, समाज में बड़ा रोल सामाजिक संस्थाओं का होता है, परिवार का होता है, पंचायत का होता है, जनपद का होता है। इसलिए एकात्म मानववादी संरचना सरकारवादी नहीं होती। सरकार एक महत्वपूर्ण निकाय है, इसलिए सरकार को वैसे काम करने चाहिए।
लेकिन सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे परिवार संस्था विकलांग हो जाए, सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे पंचायत संस्था विकलांग हो जाए, सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे जनपद संस्था एक विकलांग हो जाए। इसलिए सरकारों को इन सब का सहयोगी होना चाहिए। अल्टीमेटली समाज गवर्न होता है संस्कारों से, संस्कृति से, कानूनों से नहीं। तो इसका मतलब यह है कि दीनदयाल जी सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। एकदम सही कहा आपने। और दीनदयाल जी सत्ता और वित्त दोनों के विकेंद्रीकरण के हिमायती हैं, क्योंकि समष्टि विकेंद्रित है। समष्टि का मतलब ही होता है कि वह हर इंडिविजुअल में समाहित है, वह विकेंद्रित है। और इसलिए केंद्रीकरणवादी हर व्यवस्था, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो आर्थिक हो, दीनदयाल जी मानते हैं वो अमानवीय है, समाज के सुख का कारक नहीं बन सकती। लेकिन आज जो हालात हैं देश में, उसको आपको नहीं लगता है कि वो दीनदयाल जी के जीवन दर्शन के बिल्कुल विपरीत में दिशा में काम चल रहा है? मैं समझता हूँ जो हालात है वो देश के नहीं है, विश्व के हैं। सारे ही संसार में आज जो पैराडाइम है वह पैराडाइम वेस्टर्न है। ईस्टर्न कंट्रीज में भी पैराडाइम वेस्टर्न है, और इसलिए इन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम बुरी तरह से बढ़ रहे हैं सेंट्रलाइजेशन की ओर। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट हम बढ़ रहे हैं बुरी तरह से नितांत भौतिकता की ओर। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं हमको सरकारों में नहीं इस पैराडाइम में शिफ्ट चाहिए। इसलिए वो कहते थे लोकतंत्र का भारतीयकरण होना चाहिए, अर्थव्यवस्था का भारतीयकरण होना चाहिए, हमारे संपूर्ण चिंतन का भारतीयकरण होना चाहिए। अभी तक तो सरकारों का सवाल है, भारत की सरकार भारत की सरकार होती है, भारत के नेता भारत के नेता होते हैं। इसलिए पश्चिम का यह विचार कोई भारतीय पूरे तौर से स्वीकार कर ही नहीं सकता, भारतीय मानस में संभव नहीं है। और इसलिए आज की व्यवस्था के जो नियामक पुरुष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी जैसा व्यक्तिवाद पश्चिम में है उसको त्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया, जैसा साम्यवाद पश्चिम में है तो जो स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने कहा हम दोनों को मिलाकर काम करेंगे, और उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की। तो भारत और एशिया के अफ्रीका के सब देश, ये सब देश आज भी पाश्चात्य साम्राज्यवाद से मुक्त होने के बावजूद जो वेस्टर्न पैराडाइम है उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं, और इसलिए बहुत सी समस्याएं हैं। तो इसका सलूशन कहां से आएगा? इसका सलूशन है समाज में। दीनदयाल जी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम मानते हैं लोकमत परिष्कार का। लोकमत परिष्कृत होगा तो सरकारें परिष्कृत होंगी, लोकमत अपरिष्कृत रहेगा और सरकारें परिष्कृत हो जाएंगी, दीनदयाल जी कहते हैं ये असंभव है। उनका ये वाक्य है सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। जब तक मतदान में सिद्धांतवादिता नहीं आएगी, राजनीति में पर्संस में रहेगी, व्यक्तियों में रहेगी, पर टोटल राजनीति में सिद्धांतवादिता नहीं आएगी। और इसलिए वो कहते थे मतदाता को मतवान बनाओ, मतदाता को जानकार बनाओ। इसलिए वो जब उन्होंने 1952 का चुनाव का विश्लेषण किया तो उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को विनम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि जिसको हम पब्लिक मैंडेट कह रहे हैं वो वास्तविक नहीं है। उन्होंने कहा प्रथम आम चुनाव में जब कांग्रेस को बड़ी व्यापक सफलता प्राप्त हुई, उनको कुल मतदान का मिला था केवल 25%। तो 50% लोग तो वोट देते ही नहीं, पहले चुनाव में 50% वोट मिल हुआ था। तो जो कुल मतदाता है उनका 25% पाकिस्तान सत्ता में आ गए हो तो किस बात के मंडी मैंडेट का अहंकार करते हो? और इसलिए वो दीनदयाल जी कहते हैं हमें अपने लोकतंत्र का भारतीयकरण करते हुए लोकमत के अनुसार, लोक इच्छा के अनुसार अपने लोकतंत्र को ढालना चाहिए। आज इसलिए उनका जो फोकस है उनका फोकस सरकारों पर नहीं है, उनका फोकस पार्टियों पर भी नहीं है, उनका फोकस वोटर पर है।
आज भी जो सरकारें बन रही हैं देश में 30% 32% 33% उनको मत मिलता है और वो सरकार बनाते हैं और फिर वो दावा करते हैं कि उनको मैंडेट है, उनको जनादेश है व्यवस्था में बदलाव करने का। इंडिया जी कहते हैं हमें विनम्र होकर स्वीकार करना चाहिए कि जो पद्धति है उसके कारण सरकार बनती है, मैंडेट मिला है सही नहीं। तो जो सरकारें बन रही हैं, जो सिद्धांत की बात दीनदयाल जी कहते थे, सिद्धांतों की बात करके लोग चुनाव में जाते हैं? नहीं जाते। मैनिफेस्टो में सिद्धांतों की बात नहीं, कोई लिखता ही नहीं। यह दुर्योग है इस देश का कि सामान्यतया पॉलिटिकल पार्टीज ने सिद्धांतों की बातें करना बंद कर दी। आज कोई भी पार्टी चाहे अपने आप को किसी भी रूप में पेश कर रही हो, आप पाएंगे कि सभी के मैनिफेस्टो की भाषा लगभग समान है, बड़ा फर्क ही नहीं है उनमें। और विचारधारा के नाते हमको इस विचारधारा के निकष पर कसिए ऐसा कोई कहता ही नहीं। और इसलिए एक सरल रास्ता खोज लिया गया है, वो रास्ता यह है कि हिंदुस्तान के जो वोट डालने वाले लोग हैं, मतदाताओं में वे लोग जो मतदान करते हैं, उनमें बड़ी संख्या गरीबों की है। तो इसलिए गरीबों की बात हो, इसलिए गरीबी के बारे में सब बोलते हैं। आज जब सरकार में आ जाते हैं तो गरीबों को भूल जाते हैं? नहीं, भूलते नहीं है। जब सरकार में आ जाते हैं तो गरीबी को स्थायी रखने का काम करते हैं। हाँ भाई, गरीबी बरकरार है। जिससे आप यदि गरीब को सस्ता अनाज दे देंगे, गरीब के काम छोटे मोटे सारे काम कर देंगे तो स्वावलंबी कैसे बनेगा? तो गरीबी के नाम पर बनने वाली योजनाएं सामान्यतया गरीबी को स्थायी बनाने की योजनाएं हैं। योजना होनी चाहिए भारत का हर वयस्क इसके हाथ को रोजगार मिले, काम मिले। दीनदयाल जी कहते थे एक पंचवर्षीय योजना ऐसी बनाओ जिसका लक्ष्य ही यह हो कि कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। महेश जी, तमाम योजनाएं चल रही हैं, फूड गारंटी योजना है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है, शिक्षा के अधिकार गारंटी योजना है, तो ये सारी योजनाएं तो सरकार की तरफ से चल रही हैं। पर इन सब पर पुनर्विचार करना चाहिए। दीनदयाल जी कहते हैं कि मुद्दा केवल गरीबी नहीं है। उनका एक वाक्य है, उनका वाक्य है अर्थ का अभाव और अर्थ का प्रभाव धर्म की क्षति करता है। देश में दारिद्र्य नहीं होना चाहिए, अभाव नहीं होना चाहिए, और देश में पैसे का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों से क्षति होती है। बोले दीनदयाल जी अभाव और प्रभाव दोनों के निराकरण की बात करते हैं और कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है कि अर्थ संतुलित रहे, न अभाव की स्थिति हो और न प्रभाव की। जो लोग अर्थ के प्रभाव में बड़ी बड़े चुनाव जीत लेते हैं और जब वो सत्ता में आते हैं तो वो भी गरीबी हटाने की बात करते हैं, विषमता दूर करने की बात करते हैं। नहीं, वो चुनाव में भी करते हैं, चुनाव के बाद भी करते हैं। ये बात तो हमेशा करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते, पहले भी करते हैं। तो उनसे आपको उम्मीद है कि कोई वो बदलाव ला पाएंगे दीनदयाल जी के चिंतन के मुताबिक? दीनदयाल जी का फोकस तो पार्टियों पर है ही नहीं, सरकारों पर है ही नहीं, व्यवस्था। दीनदयाल जी का फोकस वोटर पर है, मतदाता पर है, लोकमत परिष्कार पर है, और उनको भारत के समाज के लोक पर विश्वास है कि वो परिवर्तन लाएगा, अवश्य लाएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।